ये चीज हमें बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला को जुल्म सख्त नापसंद है। फिरौन जिसने के कौम बनू इसराइल पे इतने सितम ढाए थे, और भला बतलाओ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि माओ की गोदों से बच्चे छीने जाएं और माओ की निगाहों के सामने उनके दो टुकड़े कर दिए जाएं। इस नस्ल कुशी से बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? और यही जुल्म ये फिरौन मिस्र कर रहा था, यही जुल्म ये फिरौन मिस्र कर रहा था। अल्लाह का कानून है, जालिम अपनी ताकत के नशे में, अपने इख्तदार के नशे में, अपनी कुर्सी के नशे में जुल्म किया जाता है, जुल्म किया जाता है। और अल्लाह का कानून है कि अल्लाह भी उसे ढील देता है, ढील देता है। आंख एक घड़ी ऐसी आती है, अल्लाह उसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे गिरफ्त करता है। याद रखो अल्लाह का कानून है कि जो भी उसके बंदों पे जुल्म करता है, अल्लाह उसे एक ना एक दिन मजलूम की आंखों के सामने जलील और रुस्वा करके छोड़ता है। एक मरहला वो था जब फिरौन